गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग के 6 o'clock हो रहे थे और मैंने सोचा चलो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने अपना यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी और मैं थी किचन पे। तो किचन में तो जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले मैं नींबू पानी पी थी, तो मैंने बस नींबू पानी पिया था। उसके बाद देखिए ये चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैं इसमें डिब्बों में चाय पत्ती फिल कर रही थी और कुछ किराने का सामान भी लाए थे, तो वो सारा कुछ भी मैं अरेंज करके रखूँगी। और मम्मी अंदर पूजा कर रही थी, तो मैं उनसे बातें भी करती रहती हूँ और अपने यहाँ पे काम भी करती रहती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय और एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि प्लीज़ जो भी जैसे अभी कोविड का है, तो प्लीज़ आप लोग काढ़ा ज़रूर बनाया कीजिए। कुछ नहीं हो पा रहा तो जैसे मॉर्निंग में मैं पानी तो गर्म करती हूँ सबके लिए, और साथ ही साथ क्या करती हूँ कि पानी में थोड़ा सा 2-4 लौंग और 2-4 काली मिर्च डाल के उसको भी उबालती हूँ और सबको एक एक कप पीने के लिए देती हूँ। तो बस मेरी यहाँ पे चाय पक रही है, चाय में मैंने अभी दूध भी ऐड कर दिया है और यहाँ पे दूध भी पकने के लिए मैंने लगा दिया। उसके बाद ये देखिए बिस्किट वगैरह थी, तो ये सारी चीज़ें भी मैं इसमें रख रही थी, कुछ पैकेट्स खाली हो गए थे वो सब निकाल के। तो बस यही सारा काम रहता है मेरा मॉर्निंग में। फिर मैंने सबको चाय दी थी, मैंने भी चाय पी लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना क्लीनिंग में सुबह, क्योंकि मेरे यहाँ गैस चाय वगैरह सब कुछ पीने के बाद फिर यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी। तो मैंने बेडशीट धुली थी मम्मी और पापा के बेड की, तो बस मैं वही स्प्रेड कर रही थी बिस्तरों में। तो फिर मैंने यहाँ पे बिस्तर ठीक कर लिया था, उसके बाद मैं लगा रही थी झाड़ू। तो ये देखिए मेरे इस वाले रूम में झाड़ू लग गया था, और क्योंकि रात में ही मैं किचन और पूजा वाला रूम तो रात में ही कर लेती हूँ, बस ये बाहर का रहता है और मेरा रूम रहता है, तो वो मुझे मॉर्निंग में क्लीन करना रहता है। तो बस मैं अभी यहाँ सब कमरों में लगा लूँगी झाड़ू। लग गई थी, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। तो देखिए मैं यहाँ पे बैठ के लगा रही हूँ पोछा। इससे क्या रहता है ना कि अगर हम मॉर्निंग में से एक्सरसाइज वगैरह नहीं करने जा पाते हैं, तो एटलीस्ट ये बैठ के पोछा लगाने से हमारी एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है। तो चलिए मैं पोछा लगा देती हूँ। हमारा पूरा बाहर वाले पोर्शन में पूरा पोछा लग गया था। ये मेरे घर का आंगन है, तो मैं यहाँ पे ही पोछा लगा लेती हूँ। तो हर जगह की सफाई हो गई थी, बस मेरा रूम बचा हुआ था, तो मैं अपने रूम में सबसे लास्ट में करती हूँ। तो देखिए क्योंकि पूर्णिमा अभी सो रही है, तो मैं बिस्तर तो अभी ठीक नहीं करूँगी, बस पहले मैं फ्लोर क्लीन कर लूँगी, उसके बाद जब वो उठेगी तो फिर मैं बिस्तर ठीक करूँगी। बस
मैंने यहाँ पे नहा लिया था और मैं आ गई थी छत में। तो जैसे मैं रोज़ रेगुलर भगवान की पूजा करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे भगवान जी की पूजा की थी। उसके बाद मैं कपड़े सुखाऊंगी। मेरी पूजा हो गई थी, मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। तो मम्मी बोलती चलो नाश्ता बना लो, तो फिर मैं नाश्ते में सबके लिए बना रही थी उपमा। तो उपमा में पहले मैंने यहाँ पे सूजी भून लिया है। वैसे ज़रूरत नहीं रहती बट मैं भून लेती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो उपमा रहता है बहुत अच्छा खिला खिला बनता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल ऐड किया था। तेल ऐड करने के बाद उसमें मैंने प्याज ऐड किया था और कटी हुई मिर्च ऐड की थी और फिर उसको अच्छे से भुना था। उसको भूनने के बाद फिर उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया था। टमाटर में मैंने थोड़ा सा फिर नमक ऐड किया था ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। उसके बाद जो मैंने सूजी भुनी हुई रखी थी वो सूजी भी मैंने मिक्स कर दी थी। और आप देख रहे हो कि साइड में पानी गर्म हो रहा था, क्योंकि सूजी में चाहे आप हलवा बनाओ या उपमा बनाओ, अगर इसमें गर्म पानी ऐड करोगे ना, घी हो या उपमा हो, बहुत अच्छा खिला खिला बनता है। बिल्कुल गीला नहीं रहता है। ये देखिए कितना अच्छा मेरा खिला खिला बना था। तो मैंने सबको निकाल दिया था खाने के लिए। यहाँ पर देखिए मैं भी नाश्ता कर रही हूँ। चलिए ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे नाश्ता करने के बाद। हम कर लिया था, सबने नाश्ता भी कर लिया था। मैंने नाश्ता के बर्तन वगैरह भी धो लिए थे। फिर मैं कर रही थी लंच की तैयारी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं करेले का भरवा बनाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे करेले छील रही थी। और ये देखिए पूर्णिमा को कितनी मस्ती कर रही है। ये इसकी मस्ती ऐसी ही चलती रहती है ऑल टाइम, यहाँ तो और ज़्यादा चलती है, बब्बा दादी हैं तो। और मैंने यहाँ पे देखिए सलाद के लिए भी ककड़ी काट ली, ककड़ी छील ली थी। और देखिए मैंने भरवे के लिए साथ साथ दो आलू भी लिया था। तो मैंने ये देखिए करेला छील लिया था। अब इसमें क्या कर रही हूँ, मैं नमक लगा करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि इसका कड़वापन चला जाए। और यहाँ मैं कट कर रही हूँ ऑनियन। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे भरवे के लिए मसाला रेडी कर रही थी। तो मैंने धनिया और सौंफ, जीरा और मेथी दाने को अच्छे से भूना था और भून के उसको पीस लिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई ली थी और कढ़ाई में ऑयल ऐड करके मैंने इसमें ऐड किया था ऑनियन, ऑनियन को भुना था। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया था मिर्ची और हल्दी ऐड कर लिया था। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको गरम मसाला ऐड करके बस इसको अच्छे से भुनेंगे। और ये हमारा देखो मसाला भुन गया है, इसको हम निकाल लेंगे। जो मैं देखिए जिस जो करेले में मैंने नमक लगा के रखा था उनको मैं अच्छे से यहाँ पे वॉश कर लूँगी। और उसके बाद देखिए जो प्याज वाला मसाला था और जो सूखे मसाले मैंने पीसे थे उन सबको मिक्स करके मैं फिल कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं सारे करेले में फिल कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं एक थ्रेड से इन सबको बांध भी दूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे सबको फिल कर लिया है और थ्रेड से बांध दिया है, देख सकते हो आप लोग, मैंने सबको बांध दिया है। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें ऑयल बहुत कम लगता है, तो मैंने बहुत कम ऑयल ही लिया था। उसके बाद सारे जो करेले मैंने भर के रखे थे उन सबको मैं कढ़ाई में पकने के लिए रख दूंगी और ढक दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो मैं यहाँ पे निकाल रही थी आटा। मम्मी भी आ गई थी किचन में, मैं आटा लगा रही थी। मम्मी क्या कर रही थी, ये जो हमारा जिससे मैं ऑयल लेके रोज तेल सब्जी बनाती हूँ, तो उस डिब्बे में ऑयल ख़त्म हो गया था। तो मम्मी यहाँ पे दूसरे डिब्बे से उस डिब्बे में ऑयल फिल कर रही थी और यहाँ पे मेरा आटा भी लग गया था। यहाँ का व्यू रिकॉर्ड कर रही थी, तो ये देखिए कितना अच्छा मौसम है यहाँ पे। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे सूरज डूब रहा है
और यहाँ पूर्णिमा की चल रही है मस्ती। अभी हवा चल रही है, बस अभी मैं आई थी छत पे, मैं सोची चलो घूम लेते हैं। ये है पूर्णिमा, पूर्णिमा बहुत मस्ती हो रही है पूर्णिमा की। ये देखिए कि बहुत अच्छी हवा चल रही है। ठीक है चलिए हम घर रहे हैं, यहाँ पे वीडियो का एंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।